नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करें आपके अपने YouTube चैनल राज दुनिया में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप देख सकते हैं बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के ओर से यहाँ पे आज यानी 19 तारीख से 28 तक यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएगा। जो कि इंटरमीडिएट में जो एडमिशन कराना चाहता है यहाँ से इस वेबसाइट से अपना कर सकता है फ्रेंड। तो किस तरह से कैसे करना है हम आपको पूरा इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सबको वीडियो में बने रहना, वीडियो को लेकर वीडियो कहीं भी इसकी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड नामांकन के लिए 28 जून तक ऑनलाइन आवेदन का मौका। तो राज्य के स्कूल कॉलेजों की 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए आज से आवेदन, जो कि सभी को पता है। तो फीस कितना लगेगा आप देख सकते हैं, 350 रुपया होगा आवेदन शुल्क। तो अगले पिछले साल तो 300 रुपया था, इस बार जो है ना 350 कर दिया है। तो आप देख सकते हैं राज्य में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबंध स्कूल और कॉलेजों में 11वीं कक्षा नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 जून से शुरू हो रही है। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन आवेदन की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है, ऑफलाइन आवेदन के लिए बताया गया फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी जो है ना अपने निजी कंप्यूटर लैपटॉप अलावा सहज वसुदा कारण से अपना जिला निबंधन कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऑनलाइन इस वेबसाइट के आप देख सकते हैं, सभी वेबसाइट तो सभी का याद है। तो 19 जून से यहाँ पर शुरू हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया में सिर्फ बिहार बोर्ड के छात्र आवेदन कर सकेंगे। यह आवेदन 28 जून तक चलेगी, इसके बाद CBSE समेत दूसरा मौका फिर से दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे ये बताया गया है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार 11वीं नामांकन के लिए आवेदन शुल्क 350 रुपये निर्धारित किया है। इसमें 150 रुपये आवेदन शुल्क है और 200 रुपये शुल्क कॉलेज शुल्क निर्धारित किया गया है। इंटर नामांकन आवेदन फॉर्म शुल्क जो कि इस बार 50 रुपये बढ़ोतरी की गई है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। 2020 में नामांकन 300 रुपये का शुल्क निर्धारित किए गए थे। 11वीं नामांकन के लिए आवेदन करने अभ्यर्थी को समस्या न हो इसके लिए बिहार विद्यालय प्रयास समिति द्वारा हेल्प सेंटर भी बनाया गया, लेकिन ये नंबर लगता नहीं है फ्रेंड। तो ये सब यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। चलिए वेबसाइट पे आपको हम ले करके चलते हैं। वेबसाइट पर की बात करें फ्रेंड, तो अभी तक यहाँ पे जो कि आज ही से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होना था, 7:18 हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जो है ना अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, देख सकते हैं। लेकिन फॉर्म सब आप जैसे कि सहज वसुदा कैंप से करवाएंगे तो देख सकते हैं फॉर्म सब जारी कर दिया गया है, देख सकते हैं। तो इस तरह से अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो आप तब भी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट लॉग इन पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर लिंक यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड, इधर नीचे में आ जाएगा लिंक। तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा फॉर्म आपको दिखा देते हैं किस तरह से आपको क्या करना है, किस तरह से कैसे आपको भरना है। आप देख सकते हैं कॉमन प्रोस्पेक्टस समान सूची पत्र हैं, इसको जो कि सभी स्टूडेंट को पढ़ लेना जरूरी है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। देख सकते हैं इंटरमीडिएट कक्षा में विद्यार्थियों का ऑनलाइन नामांकन सरल व्यवस्था इसमें बताया गया है, तो जो कि सारी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो अच्छे तरीके से आपको अभ्यास क्या है ये सब आपको पढ़ लेना है, ताकि आपको जो कि बाद में दिक्कत ना हो किस तरह से क्या करना है। तो इसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप ही का जिम्मेवारी है, आपको फिर से आप ठीक भी नहीं कर सकते हैं, बिहार बोर्ड ने पहले ही बता दिया है। तो आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है, क्या करना है नहीं करना है इसमें पूरा डिटेल बताया गया है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको इसमें जो है ना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आपका लगेगा और ऑटोमेटिक आपका मार्क्स सब इसमें ले लेता है। तो ये सब बताया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन जैसे स्टार्ट होगा हम आपको भी बताएंगे, जैसे अभी तक तो वो स्टार्ट नहीं हुआ है फ्रेंड। सहज वसुदा केंद्र से करवाएगा तो उसके लिए फॉर्म है, जो DRCC ऑफिस से कराएगा इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म 7 है। तो इस तरह से आप देख सकते, यदि DRCC ऑफिस कराएंगे इस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा। जैसे ऑनलाइन है ना इसी तरह से ये भी ऑफलाइन भी फॉर्म भरना पड़ता है, सेम ही सेम यहाँ पर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म है, DRCC ऑफिस फॉर्म 7 डाउनलोड किया हूँ, DRCC ऑफिस वाला देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण किया है, एडमिट कार्ड के अनुरूप परीक्षा वर्ष रोल कोड एवं रोल नंबर भरे। तो जैसे आप यहाँ पे भर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने किस साल मैट्रिक उत्तीर्ण किए हैं ये भरेंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने कौन सी परीक्षा पास किए हैं ये डालेंगे, और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रोल नंबर रोल कोड जैसे ही डालेंगे और आपको जो कि सारा चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका डिटेल ले लेगा, मार्क्स सब सब्जेक्ट सब कुछ ले लेता है। इस तरह से आपको जो है ना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया मिल जाएगा। तो सेम टू सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑनलाइन आवेदन भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जो ना ऑनलाइन आवेदन भी होगा, उसका ऑफलाइन फॉर्म दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते उसी तरह से भरना है, ऑनलाइन भी उसी तरह से भरना है जिस तरह से यहाँ पर बताया, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा फ्रेंड, देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर पूरा आपको बताया गया है। तो इस तरह से आप
आवेदन कर सकते हैं, कोई भी आपको बाद में भी दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत होता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा मेरे तरफ से। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देता हूँ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।